honey. स्वर्ग स्थापन होगा तो स्वर्ग जो स्थापन होगा उसमें कोई तो परिवार होगा ना, और परिवार एक दो से बन जाता है या परिवार में 6-8-10 होते हैं है? तो कितने होंगे? और जो होंगे वो टॉप मोस्ट क्वालिटी वाले होंगे या नीची क्वालिटी वाले भी होंगे? है? 8 हैं जो पास विदानर हैं, टॉप मोस्ट हैं। तो नई सृष्टि जो होगी वो उनों से ही तैयार होगी या उनसे नीचे वालों से तैयार होगी? तो कितने होंगे नई सृष्टि में? 8 तो होंगे। फिर संकल्प सिद्धि का पुरुषार्थ कौन सा? संकल्प सिद्धि का पुरुषार्थ कौन सा? ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। ब्रह्मा बाप ने संकल्प सृष्टि रची तो क्या बच्चे नहीं रचते हैं? हैं? अपने संकल्पों से ही अपनी सृष्टि बनती है कि कोई दूसरा रचने वाला है? हैं? जैसे जैसे संगम युग में हम श्रीमत के अनुकूल श्रेष्ठ संकल्प करेंगे या मन मत पर या रावण की मत पर भ्रष्ट संकल्प करेंगे, वैसी वैसी हमारी भविष्य 5000 वर्ष की सृष्टि बनती जाती है। यही संकल्प की सृष्टि है। संकल्प को बीज कहा जाता है। तो सृष्टि जो हमारी तैयार होती है जन्म जन्मांतर की, उसका बीज हम कहाँ डालते हैं? संगम युग में अभी हम बीज डालते हैं। तो बीज कैसा डालना चाहिए? है? बाप ने तो बता दिया कि ये संगम युग है, मौजों का युग। तो जन्म जन्मांतर मौज मनानी है, खुशियां ही खुशियां मनानी है, जन्म जन्मांतर विजय ही विजय हासिल करनी है या दुखी होते रहना है? है? लेकिन करते क्या है? है? मौज ही मौज मनाते हैं कि दुखी हो जाते हैं? है? दुखी होते हैं या नहीं होते हैं? कोई हाथ उठाओ जो संगम युग में ऐसे संकल्पों की सृष्टि कभी नहीं रचता जो थोड़ा बहुत दुखी होना होना पड़े। अरे ये क्या बात! गीतों में तो गाया हुआ है, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। भगवान आकर के हमारी मुट्ठी में हमारी तकदीर दे देते हैं, चाहे अच्छे से अच्छी बनाओ और चाहे चाहे तकदीर फूटी बनाओ। तो जब हमारे ही हाथ की बात है तो हम अपने लिए अच्छा करें या खराब करें फिर क्यों नहीं करते हैं? है? क्या याद रहता है? है? कुछ तो याद रहता होगा। बाप की बताई हुई बात याद नहीं रहती,
जो श्रीमत बाप देते हैं वो श्रीमत याद नहीं रहती, फिर याद क्या रहता है, जो बाप की मत भूल जाते हैं और दुखदाई संकल्प चलने लग पड़ते हैं। दुख कौन देता है? तो रिश्ता किससे रखा हुआ है, हैं? रावण से कुछ न कुछ रिश्ता है या नहीं है, हैं? बोलेंगे नहीं कि है कि नहीं है, हैं? है तो रिश्ता तोड़ दो, माया से रिश्ता तोड़ेंगे। एक बाप दूसरा न कोई, ऐसा रिश्ता जोड़ेंगे तो संगम युग में मौजों का युग बना रहेगा। वो भी टाइम आएगा या नहीं आएगा? वो भी टाइम संगम युग में आने वाला है कि एक भी संकल्प का बीज श्रीमत के बरखिलाफ नहीं चलेगा। और श्रीमत के बरखिलाफ जब कोई भी संकल्प का बीज नहीं डाला जाएगा तो कौन सी युग की शूटिंग होगी, है? मौजों के युग की, सतयुग त्रेता की शूटिंग होती रहेगी। वो तो बाद की बात, बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा, स्वर्ग आ जाएगा, तब मौज में रहे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या है, हैं? अभी जो माया का युद्ध हो रहा है उस माया के युद्ध में भी हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम। कभी भी हम किसी से प्रभावित न हो, किसी से प्रभावित हो जाते हैं तो हम उनकी प्रजा बन जाते हैं, और प्रजा भरीड होती है या राजा की तरह राज्य करती है, बरीड होती है। वजन ढोएंगे तो दुखी भी होते रहेंगे, और सद्गुरु का पाठ कब चालू होगा? लक्ष्मी आने के बाद या पहले, है? गुरु कैसा? सतगुरु, झूठा गुरु नहीं। झूठे गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, हैं? झूठे गुरु होते हैं उनके लिए तुलसीदास ने भी बोल दिया है रामायण में, हरें शिष्य धन शोक न हरई। क्या शिष्यों का धन तो हर लेते हैं लेकिन उनके दुख दर्द नहीं हरण करते। तो सतगुरु उसको कहा जाएगा जो हमारे दुखों का निवारण करे। ऐसा सतगुरु अंत में प्रत्यक्ष होगा या अभी प्रत्यक्ष होगा? क्यों सतगुरु का पार्ट अंत में क्यों है, पहले क्यों नहीं? क्योंकि जब सतयुग आवे, सतयुग का फाउंडेशन नहीं, प्रैक्टिकल में सतयुग आवे तो सतयुग में आने वाले तो थोड़े होंगे कि शुरुआत में ही बहुत होंगे? थोड़े होंगे। तो उन थोड़ों के अलावा और जो होंगे बचेंगे, उन सब के लिए सदगुरु का पार्ट। सदगुरु कड़क होता है या ब्रह्मा की तरह मुलायम होगा? कड़क होता है, जैसे मिलिट्री में जो मार्शल होता है या जो भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनका कड़क शासन होता है, या गलती कर दी अच्छा चलो माफ किया, ऐसा होता है?
कड़क शासन होता है। गलती की और शूट कर दिया, यहां स्थूल रूप में शूट करने की बात नहीं है। क्या करेंगे हैं? क्या करेंगे? अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे और बाप से दूर हो जाएंगे। वो बाप भी है और टीचर भी है और सदगुरु भी है। अभी क्या पार्ट है? हैं? बाप भी है और टीचर भी है। अभी सारा क्लेरिफिकेशन बुद्धि में बैठ गया है, सारी बात बुद्धि में बैठ गई, कुछ समझने का तो नहीं रहा है। रहा या नहीं रहा? रहा तो है। अगर रहा ना होता तो ये प्रश्न क्यों पूछते? अभी भी प्रश्न पूछते हैं या नहीं पूछते हैं? पूछते हैं, इसका मतलब अभी बहुत कुछ समझने को रहा हुआ है। क्योंकि मुरली में बोला है जब बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा तो ये प्रश्न करना ही बंद हो जाएगा। अर्थात रावण के जब सिर कट जाएंगे तो राम बाप राक्षसों के सामने भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। और दिखावा करने के लिए कि हम बड़े भारी गुरु हैं, हम चाहें तो अपनी जिंदगी लंबी बना सकते हैं, अथवा हम जीवित ही मृत्यु को बुला सकते हैं, हम जीते ही जीते जी मर जाएंगे। लेकिन हद की मौत मरते हैं या बेहद की मौत मरते हैं? हद की ही मौत होती है। क्या है? श्वास को रोकने की प्रक्रिया सीख लेते हैं। श्वास अंदर चढ़ाई, रोकी, फिर धीरे धीरे बाहर निकाली। ऐसे का प्राणायाम करते करते, प्रैक्टिस करते करते एक ऐसी स्टेज आती है कि 2-3 घंटे अगर श्वास रुक जाए तो कितने भी लंबे टाइम तक के लिए रोकी जा सकती है। जैसे आसन है, किसी भी आसन पर अगर कोई 3 घंटा 45 मिनट तक लगातार बिना हिले डुले बैठा रहे तो उस आसन पर वो 24 घंटे भी बैठ सकता है। ऐसे ही श्वास प्रश्वास की भी गति है। जो प्रैक्टिस करते हैं वो श्वास रोक करके नील में चले जाना सीख लेते हैं। वो कोई योग नहीं है, उसको योग नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा का ज्ञान तो उनको है ही नहीं। तो समाधि लगाने का मतलब अधि, अधि माने अंदर, सम माने संपूर्ण, समाधि माने संपूर्ण अंदर चले जाना। वो गड्ढे में अंदर चले जाते हैं। अब अंदर की बात भगवान ही बताएगा, आत्मा के अंदर क्या है जन्म जन्मांतर का रिकॉर्ड, कि वो देहधारी धर्मगुरु अपने आप जान लेंगे। उनको भी आकर के भगवान ही बताते हैं कि तुम्हारी आत्मा के अंदर क्या क्या है। अधि माने अंदर और सम माने संपूर्ण।
उसको कहते हैं समाधि। संपूर्ण अंदर को जान लेना ही समाधि है। तो सच्चे सच्चे समाधि धारण करने वाले कौन हैं? है? है? वो सन्यासी हैं कि बाप के बच्चे ब्राह्मण हैं? बाप के बच्चे ब्राह्मण ही सच्ची समाधि लगाना जानते। जितना जितना निराकारी स्टेज में टिकते जाते हैं उतना उतना बुद्धि सूक्ष्म होने के कारण, बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज पकड़ने के कारण, ऐसी सूक्ष्मता की स्टेज होने के कारण अनेक जन्मों की पहचान की उनकी प्रैक्टिस पड़ जाती है। अच्छा मनन चिंतन मंथन चलता है और अपने अनेक जन्मों को अपनी आत्मा के अंदर प्रत्यक्ष कर लेते हैं। ये है संपूर्ण आदि समाधि, आत्मा के 84 जन्मों को भी जान लेना या गड्ढे में बैठ जाना है। गड्ढे में बैठ जाना और ऊपर से बंद कर देना, ये कोई समाधि नहीं है, ये तो नील में चले जाते हैं। और तो हुजूम में जाने की जरूरत है या अकेले जाना और एक एक को समझाने की जरूरत है? हुजूम में गए थे, ग्रुप बना के गए थे, कहीं एक जगह का बना के गए थे कि ऑल इंडिया के सारे इकट्ठे होके गए थे? तो मेले मलाखड़ी की शूटिंग तो नहीं कर ली, क्योंकि बाप ने कहा है मेलों में मैला इकट्ठा होता है। कैसे संकल्प चलते हैं? हैं? विचार के संकल्प ज्यादा चलते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे संकल्प चलते हैं? कैसे चलते हैं? है? अगर सेवा ही करनी है आबू वासियों की, माउंट आबू वालों की, तो अकेले जाके नहीं कर सकते हैं क्या? है? एक एक की सेवा एक बैठ करेगा तो प्रजा निकलेगी या राजाएं निकलेंगे? हैं? राजाएं निकलेंगे, और हम राजा ही स्थापन करने वाले हैं या प्रजा बनाने वाले हैं? हाँ जी, अभी तक कोई निकला है? पिछली साल भी इकट्ठे हुए थे, इस साल भी ढेर के ढेर इकट्ठे हुए, ढेर के ढेर माताएं भी गई, कुछ कन्याएं भी गई होंगी है? हाँ, माताएं भाई गए, तो मेला इकट्ठा हो गया ना। और रिजल्ट क्या निकला? कुछ रिजल्ट आया? कुछ लोगों ने भट्टी की, बाप के घर में पैदा होकर के बच्चे बने, दोबारा जाके पोस्ट करना है। अच्छा, एक बार बीज डाला तो बेकार हो गया, बीज में ताकत नहीं थी, निस्तेज थे, अब दोबारा बीज डालेंगे। तलाकी में तो पहली बार गए ना गांव को? पहली बार के हो, पिछले साल भी तो गए थे। देखिए सेवा हुई, सेवा हुई, सेवा हुई कि वो और ये भड़क गए हैं, पुलिस कोर्ट कचहरी कर दी? नहीं की पिछली साल, पिछली बार की ना। हाँ, ओ चलो, इस बार इतना तो अच्छा हुआ कि कम से कम गांव में जाकर के, एक एक घर में जाकर के पर्सनल सेवा तो की। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट तो आपके जैसे संकल्पों की गति होगी वैसा ही रिजल्ट निकलेगा ना।
आपके शुद्ध संकल्पों की प्योरिटी अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को जन्म देगी और यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कारों का रहस्य पता चला तो वहां से सिंह हैदराबाद आए और वहां से यज्ञ स्टार्ट हुआ। फिर सेवक राम उनके यज्ञ में कब ऐड हुए? पहले ब्रह्मा बाबा आए, पहले पहले नंबर है देवताओं में किसका लगता है? अरे भक्ति मार्ग में किसका नंबर लगता है? है गणेश का लगता है ना, तो पहले पहले ब्रह्मा बाबा आए। ब्रह्मा बाबा ने सारा कारोबार किसको सौंपा? लौकिक भागीदार को। तो समेटने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? ब्रह्मा बाबा जैसे छोड़ छाड़ के भाग गए वैसे भागने से काम चलता है? नहीं चलता, नुकसान हो जाता है यज्ञ का। तो समेटने के बाद वो भी पहुंच गए। जब तक यज्ञ आगे नहीं बढ़ा, जब तक सेवा शुरू नहीं हुई। यज्ञ जिसे कहते हैं वो तो ज्ञान यज्ञ है। तो ज्ञान की सेवा, फाउंडेशन ज्ञान का था या भक्ति का फाउंडेशन पड़ गया? है भक्ति में भागना होता है क्या? सिंध हैदराबाद से कौन पहले भागा? तो भक्ति का फाउंडेशन किसने डाला? अरे जब दुनिया वाले मुकाबला कर रहे थे पतित पावन बाप का, तो भागना चाहिए या मुकाबला करना चाहिए? है मुकाबला करना चाहिए, लेकिन बाप ने मुकाबला किया, अंत तक डटा रहा और ब्रह्मा बाबा चुपचाप चले गए। पता ही नहीं चला किसी को कहां चले गए। चलो बाद में पता चला ना, कराची में गए। तो जब साथी है, दो हैं साथी, जन्म जन्मांतर के साथी हैं या एक दो जन्म के साथी हैं? जन्म जन्मांतर के साथी हैं बेहद के, और साथ ही भाग गया तो निवृत्ति मार्ग हो गया या प्रवृत्ति मार्ग हो गया? कमजोर पड़ गया या पावरफुल हो गया? हैं? कमजोर पड़ गया। जो विरोधी ग्रुप थे, एंटी पार्टी के लोग थे, उन्होंने ऐसा हमला किया कि लाश भी गुम कर दी। तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन हुआ या ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन हुआ? है ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन हुआ। ज्ञान में बीज बाप को पता चला, बाप का पता चला, जो ओम मंडली से नाम बदल करके नाम डाला उसमें बाप का नाम याद रहा है? तो जब बाप का नाम ही याद नहीं रहा तो ज्ञान कहां से आ जाएगा? ज्ञान हुआ या भक्ति हुई? भक्ति हुई। जैसे गीता के अर्थ पहले पहले शुरुआत में करके समझाते थे, तो आदि में गीता के अर्थ समझाते थे संस्कृत वाली गीता के, तो जो आदि में हुआ वो अंत में भी जरूर होगा। शास्त्रों के जो श्लोक हैं उनको सच्चा साबित करके समझाते थे, तो ज्ञान का फाउंडेशन हुआ या भक्ति का फाउंडेशन हुआ? उस समय ज्ञान का फाउंडेशन हुआ, बाद में झगड़ा हो गया, बोला है स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। कौन निमित्त बने? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। तो तुरंत तुरंत स्थापना हुई, तुरंत तुरंत विनाश हो गया। तो पूरे कल्प की एक तरह से कच्ची कच्ची शूटिंग हो गई। पहले कच्चा खाका तैयार होता है,
या पक्का खाता तैयार खाका तैयार होता है, कच्चा पहले बनाते। तो ऐसे ही ब्रह्मा के द्वारा भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ गया। जैसे भक्ति मार्ग में शास्त्र तो पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन उनका गुही अर्थ जानते हैं है? नहीं जानते। शास्त्र जो मूल हैं, वो जब आदि में बनाए गए थे द्वापर के आदि में, जिस द्वापर के आदि में सतो प्रधानता थी या तमो प्रधानता थी, सतो प्रधानता में जिन्होंने बनाए थे वो शास्त्र, वो उनका अर्थ जानते थे। तो जो बनाने वाले थे आदि वाले, संगम के आदि में वो ही उसका अर्थ बैठ करके बताएंगे कि कोई दूसरा बताएंगे है, वो ही बताते हैं। तो जैसे भक्ति मार्ग में शास्त्रों का अर्थ उल्टा पलटा हो गया, पढ़ते रहे, सुनते रहे, समझते वो समझाते रहे दूसरों को, लेकिन न सुनने वालों ने समझा और न सुनाने वालों ने समझा। ऐसे ही ब्रह्मा के तन में भक्ति का फाउंडेशन पड़ गया, बल बाप ने आकर के वाणी चलाई। वाणी किसने चलाई? शिव बाप ने। लेकिन जिसके द्वारा वाणी चलाई उसने समझा? नहीं समझा। जिन्होंने सुना उन्होंने समझा? उन्होंने नहीं समझा। तो सुना सुनाया लेकिन समझा कुछ भी नहीं। तो समझ को ज्ञान कहा जाता है या सिर्फ सुनने सुनाने को ज्ञान कहा जाता है? तो ब्रह्मा द्वारा काहे का फाउंडेशन पड़ा है? भक्ति का फाउंडेशन पड़ गया, बेसमझी का फाउंडेशन पड़ गया, अज्ञानता का फाउंडेशन पड़ गया। तो फिर जो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले होंगे वो सो फाउंडेशन को मजबूत करेंगे, विस्तार में ले जाएंगे, भक्ति के फाउंडेशन को विस्तार में ले जाएंगे या सार में, ज्ञान में लाएंगे? अभी क्या कर रहे हैं है? भक्ति को विस्तार में लेकर जा रहे हैं। तो ये बात सामने आती है, पहले संसार में भक्ति फैलती है, भक्ति के बाद फिर ज्ञान का फाउंडेशन पड़ता है, और जब ज्ञान परिपूर्ण हो जाता है तो इस संसार से हरेक आत्मा को वैराग आता है सच्चा। जब सच्चा वैराग आता है तो ज्ञान धारणा में आ जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में बोला है बिनु वैराग विरा विवेक न होई। क्या? वैराग जब तक इस दुनिया से नहीं आता है तब तक विवेक माने ज्ञान हो नहीं सकता। तो अपने अपने अंदर देखना है कि हमको इस दुनिया से कितना वैराग आया है, कितने परसेंटेज में वैराग आया है। सौ परसेंट वैराग आएगा जबकि ऐसी स्टेज बन जाएगी एक शिव बाप, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो क्या होगा है? धारणा में ज्ञान बैठ जाएगा। और बाबा तो 1936 में ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार के रहस्य पता चला, फिर सुनकर हैदराबाद आके चुप बैठे कि क्या हुआ? चुप बैठे क्या हुआ? सत्संग चला, उस सत्संग में गीता बैठ करके सुनाते थे, गीता के अर्थ सुनाते थे। ब्रह्मा बाबा सुनाते थे या सेवाग्राम सुनाते? ब्रह्मा बाबा सुनने वाले थे बाप के सामने या सुनाने वाले थे? क्या थे उनकी लिस्ट कौन से किसमें थी, सुनने वालों में थी या सुनाने वालों में थी?
सुनने वालों में थी, बाप के सामने कैसे सुनाएंगे। तो इसका मतलब है कि 1937 से ये गीता भक्ति मार्ग की संस्कृत गीता बताना शुरू की। पहले मुरली में ही बोला है, पहले गीता के श्लोकों के अर्थ बैठ करके बताते। वो सारा हिसाब किताब जो था उनका समेटने के बाद आने के बाद ये काम किए ना। हाँ जी। और सत्युग को सत्य का युग कहते हैं, द्वापर को दो पुरा, दो भाग, दो मतें शुरू होती हैं, दो दो धर्म शुरू होते हैं, इसलिए द्वापर कहते हैं। कलयुग को कलह कलेश का युग कहते हैं। ऐसे फिर त्रेता युग का अर्थ क्या है? त्रेता का अर्थ है 13 जन्म लेना। क्या, कितने जन्म होते हैं? इसलिए उसका नाम त्रेता युग पड़ गया। और बाबा, जो मनुष्य को कुछ दुख होता है या पीड़ा होती है तो उसकी आत्मा को भी वही पीड़ा या दुख होता है? मनुष्य को दुख या पीड़ा होती है, हाँ, तो उसकी आत्मा को भी पीड़ा या दुख होता है? आत्मा को ही दुख और सुख होता है। मनुष्य जिसे कहा जाता है वो मन वाले को ही मनुष्य कहा जाता है, और मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि में ही दुख और सुख की फीलिंग होती है। मन बुद्धि माने आत्मा, देह को नहीं कहा जाता है। दुख सुख अनुभव होने वाला देह तो जड़ है, आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन ये दुख सुख का जो कर्म भोग है वो अगले जन्म में जाता है या नहीं जाता है? तो शरीर के साथ जाता है या मनबुद्धि रूपी आत्मा के साथ जाता है? मनबुद्धि रूपी आत्मा के साथ अगले जन्म में कर्म भोग चला जाता है। और हाँ, इसका बेहद का अर्थ बाबा ने इशारा किया। बाबा जो भी सुनाते हैं कथा कहानियां वो हद के बच्चों को सुनाते हैं या बेहद के बच्चों को सुनाते हैं? बेहद के बच्चों को सुनाते हैं। और जो भी कथा कहानियां की बातें आती हैं शास्त्रों की या वैसे भी, तो वो बेहद में समझाने के लिए बोलते हैं या हद में समझने के लिए बोलते हैं? है बेहद में। कोई अरविंद घोष है, अरविंद का अर्थ क्या है? अरविंद का अर्थ है कमल का फूल। तो कौन है 100% कमल के फूल जैसा पार्ट बजाने वाला, जिसे शास्त्रों में नाम दे दिया है मोहजीत राजा की कहानी कथा? कौन राजा है? हरिश्चंद्र। तुम मोहजीत है, अटैचमेंट नहीं होता है किसी देहधारी के साथ, चाहे वो बच्चा ही क्यों न हो, चाहे वो पत्नी ही क्यों न हो। मुरली में तो बोल दिया है बच्चा बच्चा नहीं, बाप बाप नहीं, बेटा बेटा नहीं, पत्नी पत्नी नहीं। तो ऐसे डिटैच होने वाले कमल फूल का जो पार्ट बजाने वाला है अब्बल नंबर में, उसका नाम दे दिया है अरविंद। कैसा अरविंद? घोष। क्या संसार में घोषणा कर देता है? क्या घोषणा करता है? हैं? संसार में घोषणा करता है ये विदेशी जो है लूटने वाले लुटेरे हैं, उनसे दबके रहता है या उनको घायल करके रहता है, घायल करके रहता है।
तो ऐसा ही पार्ट बेहद के ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई है जो कहां से शुरू होता है, जन्म कहां लेता है, बंगाल में इस रथ को कहां से पकड़ा, बंगाल से पकड़ा, जहां यादगार बनी हुई है। क्या है? बनियन ट्री। तो बंगाल से भागा और आखरीन कहां जाके बस गया, गुप्त रूप में जाके बस गया, किसी को पता नहीं चला है। जो बेहद का अरविंद है वो शरीर छोड़ने के बाद कहां चला जाता है, किसी को पता चलता है ब्राह्मणों की दुनिया में? नहीं, नहीं पता चलता। बाद में पता चलता है जो फॉलोअर्स हैं उनको। क्या पता चलता है? कहां जाके डेरा जमाया? पांडुचेरी, जो पांडवों की चेरी है। चेरी माने दासी। कौन है पांडवों की दासी? है द्रौपदी। द्रौपदी कुंड यादगार बना हुआ है ना, जो अग्निकुंड से प्रत्यक्ष होती है। स्थूल अग्निकुंड या ज्ञान अग्निकुंड? ज्ञान अग्निकुंड से प्रत्यक्ष होने वाली द्रौपदी वहां जाकर के छुप गया। फिर बाद में उसका विस्तार हुआ या नहीं हुआ? है, बहुत विस्तार हो गया। जो भी नई नई आत्माएं आती हैं सभी का ऐसे ही होता है। आदि में आती है एक आत्मा और अंत में उनका भारी हुजूम तैयार हो जाता है। तो वो अरविंद घोष की कथा कहानी बताई, माना बेहद के अरविंद घोष का भी ऐसे ही होता है। और पुरुष जो भी पुरुषार्थ करता है तो उसका आधा हिस्सा उसके आधा ही मिलता है। पुरुष जो भी पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ करता है उसका आधा हिस्सा उसके आधा ही मिलता है। जैसे नारायण कुल पुरुषार्थ करता है उसका आधा हिस्सा, उसका आधा हिस्सा उसी को मिलेगा जो उसके पुरुषार्थ में, माना माया के युद्ध में समान रूप से सहयोगी बनेगा। जितना योगी पुरुष है उतनी ही योगिनी उसकी अर्धांगिनी भी होनी चाहिए। पुरुषार्थ करने में अर्धांगिनी, ज्ञान में भी अर्धांगिनी। कैसे? क्या उतना ही ज्ञान सुना है जितना पुरुष सुनाता है? फिर है? शंकर जी ज्ञान तो बहुत सुनाते हैं, ज्ञान इतना सुनाते हैं तीसरे नेत्र के द्वारा ज्ञान ही ज्ञान बरसाए देते हैं। लेकिन क्या परिवर्तन होता है? है, बुद्धि का विकास होता है, मन का विकास होता है, या कर्मेंद्रियों में परिवर्तन आ जाता है? क्या होता है? है, मन बुद्धि का विकास होता है लेकिन धारणा में परिवर्तन नहीं होता। तो रावण का ज्ञान कहेंगे या देवताओं का ज्ञान कहेंगे? रावण ज्ञान हो गया। तो उस ज्ञान को संपन्न रूप कौन देता है आकर के? है, इसका आवाहन करो।
है विजयमाला की हेड का आवाहन करो, शहद की रानी मक्खी का आवाहन करेंगे तो पीछे पीछे सारी मक्खियां हजारों की तादाद में उड़ के आ जाएंगी। तो आधा हिस्सा लेना चाहिए उसे या नहीं लेना चाहिए है? वो ज्ञान को धारणा मिलाती है। जो तीसरी मूर्ति विष्णु है वो प्रैक्टिकल जीवन बनाने वाली है। पहली मूर्ति सुनने सुनाने वाली है, कौन सी? ब्रह्मा की। और दूसरी मूर्ति समझने और ज्ञान को समझाने वाली है। लेकिन सुनने से समझने समझाने से क्या देवता बन जाएंगे? नहीं। कैसे बनेंगे? जब सुना हुआ समझा हुआ प्रैक्टिकल में धारणा में लावेंगे तब ही देवता बनेंगे। तो ये काम कौन करता है? है लक्ष्मी करती। जब सही ज्ञान में अर्धांगिनी बनती है तो सेवा में अर्धांगिनी कौन बनेगी? है सेवा में भी लक्ष्मी ही अर्धांगिनी बनती है और धारणा में भी लक्ष्मी अर्धांगिनी, ज्ञान में भी अर्धांगिनी, सेवा में भी अर्धांगिनी। तो फिर एक छुआवा दूसरा न कोई। ऐसे अब व्यभिचारी योग बनाने योगी बनाने में कौन अर्धांगिनी बनेगा? हैं? ये रुद्रमाला के मणके अर्धांगिनी बनेंगे? बन पाते हैं? नहीं बन पाते। ये तो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, इनकी तो आदत है। क्या क्या आदत है? हैं? एक रानी से इनकी संतुष्टि नहीं होती क्या? भले ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान लेते हैं, पवित्रता को धारण करने का बखान करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, लेकिन खुद के जीवन में अनुभव नहीं कर पाते। एक शिव बाबा दूसरा, भले उनको प्रैक्टिकल में शिव बाबा मिलता भी है, कहते भी है हमें शिव बाबा मिल गया, लेकिन फिर अंदर से जानते हैं कि हमारी बुद्धि विचलित होती है। तो जो जन्म जन्मांतर के ऐसे राजाएं रुद्रमाला में बैठे हुए हैं वो बाप के ऐसे सहयोगी बन पाते हैं? बनेंगे? नहीं बन सकते। वो रुद्रमाला के मण के सहयोगी नहीं बनेंगे जो अर्धांगिनी बने। हाँ नंबर बार बनेंगे। अव्यक्तवाणी में बोला तो है तुम बच्चों के बाप से सर्व संबंध है। सर्व संबंधों में सारे ही संबंध हैं कि कोई संबंध नहीं भी है? है सर्व संबंध है। ये संकल्पों की बात है, दृष्टि बनाने की बात है, वाइब्रेशन बनाने की बात है। तो वो सर्व संबंध धारण करने में सब नंबर बार हो जाते हैं। फिर पक्का संबंध किसका बनता है? अर्धांगिनी का है, लक्ष्मी का बनता है। नहीं समझ में आया है? नारायण को मिल गया? नहीं मिलता है। नारायण से पहले किसका नाम लेते हैं? लक्ष्मी का नाम लेते हैं ना। हाँ हाँ जी। बहुत धीरे बोलेंगे तो कैसे सुनेंगे? वैजयंती माला विजय माला अलग अलग नहीं है, एक ही है। रुद्रमाला की संख्या? रुद्रमाला और विजय माला। हाँ उनकी 108 108 विजय माला अकेली है तो सिंगल मण के हैं, रुद्रमाला अकेली है तो भी सिंगल मण के हैं। जब रुद्रमाला के मण के जो पहले तैयार हो जाते हैं और विजय माला में पिरोए जाते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग बन जाता है।
हैं दोनों मालाओं में 108 108 मणके। और हाँ रुद्रमाला होती है, जो रुद्र है रुद्रगणों का जो हेड है मुखिया है वो कितनों का बाप है? 500-700 करोड़ मनुष्यों सब का बाप है। सब रौद्र रूप धारण करते हैं नंबर वार, इसलिए 500 करोड़ भी वो भी रुद्रमाला है। हाँ जो रुद्रमाला है वो सूर्यवंशी माला है, जो विजय माला है वो चंद्रवंशियों की माला है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों मिलकर के अष्टदेव बनते हैं। चार सूर्यवंशियों में से और चार चंद्रवंशियों में से ये चार जोड़ी तैयार होते हैं। और मार्ग में बताते नौनाथ, मार्ग में नौनाथ बताते नौनाथ। हाँ जी नहीं, अष्ट में एक है वैल्यूलेस, अष्ट के बाद जो वैल्यूलेस मणका है नौ की माला में, आठ की वैल्यू को बताने के लिए है वैल्यूलेस, इसलिए जो नौवां है वो भी नाथ है। कितने धर्म हैं? नौ धर्म मुख्य हैं भारत में, सूर्यवंश चंद्रवंश इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियंस और सन्यासी मुस्लिम और सिख, कितने हुए? आठ तो हो गए आस्तिक, क्या भगवान को मानने वाले, और नौवां आर्य समाज, वो भगवान का रूप नहीं मानता इसलिए नास्तिक है, उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आर्य समाजी प्रजातंत्र पसंद करते हैं कि राजतंत्र पसंद करते हैं। दुनिया में इन नास्तिकों अर्धनास्तिकों ने, चाहे वो रशियंस हों चाहे आर्य समाजियों के फॉलोअर्स हों, इन कांग्रेसियों ने राजाएं तैयार किए हैं या राजाएं नष्ट कर दिए हैं? राजाओं को नष्ट कर दिया और प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चला दिया। और भगवान आके क्या करते हैं? हैं? भगवान आकर के राजाओं को चुनते हैं, राजाई का योग सिखाते हैं, राजयोग। तो भगवान जो करते हैं उसके जस्ट उल्टा कौन करते हैं? ये आर्य समाज ही करते हैं। तो इनको प्राप्ति होगी है? नहीं होती है। प्राप्ति न होने के कारण फिर इनकी वैल्यू नहीं है, इसलिए नौवां वर्ण का वैल्यूलेस है। लेकिन अगर वो नौवां वर्ण का नहीं होगा माला में तो माला शोभेगी नहीं, पता ही नहीं चलेगा मूल्य का, इसलिए एक मण का वैल्यूलेस भी रखा जाता है, उसे कहते हैं पुखराज। और भगवत गीता को खंडन कर दिया है, इस
कारण मानववासी कहने से जो उचित कंगाल बन गए मेरे से कहने वाला मेरे से माने शिव बाबा से किससे कर्म भ्रष्ट बन गए धर्म भ्रष्ट बन गए योग भ्रष्ट बन गए किससे उनसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई नीचे गिर गई और किस में जुड़ गई है देहधारी गुरुओं में जुड़ गई यहां जो बैठे हुए हैं पहले बेसिक में थे तो बुद्धि किससे जुड़ी हुई थी देहधारी गुरुओं से जुड़ी हुई थी कि बाप से जुड़ी हुई थी है देहधारी गुरुओं से जुड़ी बुद्धि में था कि यज्ञ के आदि में बाप कौन था साकार में नहीं था तो किसने योग भ्रष्ट बनाया किसने धर्म भ्रष्ट बनाया किसने कर्म भ्रष्ट बनाया है रावण कौन कहेंगे जरूर ये देहधारी धर्म गुरु इन्होंने तुमको धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट योग भ्रष्ट बना दिया जब बाप आते हैं तो बाप ही आकर के अपनी पहचान देते हैं बाप के सिवाय बाप की पहचान कोई दूसरा धर्मगुरु दे ही नहीं सकता और सदगुरु निंदा छोड़ना चाहिए सदगुरु निंदा छोड़ना चाहिए कौन सी निंदा है बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए तो ये निंदा की बात है या महिमा की बात है पतितों को पावन बनाना और सारी दुनिया को पावन बनाना कोई तो प्रोसीजर होगा या नहीं होगा तो ये महिमा की बात है या ग्लानि की बात है और वो गुरु लोग सफेद साड़ी वाले सफेद कपड़े पहनने वाले वो निंदा करते हैं पतित पावन की या महिमा करते हैं क्या कहते हैं हैं? हम पतितों को पावन बनाने वाले हैं ये तो भ्रष्ट करने वाले हैं हम असली हिंदू हैं जो पहले देवता थे हिंदू माने दू माने दुईते हिंग माने हिंसा हम हिंसा को दूर करने वाले हैं कौन सी हिंसा काम कटारी की जो हिंसा है उस हिंसा से हम दूर करने वाले हैं तो उस हिंसा से दूर करने वाले हैं या सरेंडर हुई कन्याओं को और ही दुर्योधन दुशासनों के हवाले कर देने वाले हैं हिंसा को बढ़ाएंगे अगर कन्याओं को बिना माता के किसी सेंटर में रखा जाएगा तो उन कन्याओं को दुर्योधन दुशासन अपने कब्जे में कर लेंगे या उनको पावन बनाएंगे है तो ये चक्र चल रहा है देहधारी गुरुओं के द्वारा पतित बनाने का बाप आकर के पावन बनाते हैं बिचारी फंसी हुई है कोई निकालने वाला नहीं है सरकार भी कुछ नहीं कर सकती सरकारी तबके के जो बड़े बड़े होदेदार हैं राष्ट्रपति मिनिस्टर कलेक्टर गृह मंत्री प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर वो जहां वहां जाकर के सलाम बजा के आते हैं कि अंदरूनी गहराइयों को पकड़ पाते हैं और ही सलाम बना के आते हैं उन्हें पता ही नहीं है कि ये जो बड़े से बड़े 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 हॉस्पिटल खोल रहे हैं ग्लोबल हॉस्पिटल
ये बाबा ने जिस्मानी हॉस्पिटल खोलने के लिए स्वीकृति दी है या नहीं दी है? है? दी है? नहीं दी है। फिर ये क्यों खोल रहे हैं? है? है? अरे ये हॉस्पिटल जो दुनिया में भारतवर्ष में खुले हुए हैं, शहर शहर में, गांव गांव में, कस्बे कस्बे में, उनमें परिवार नियोजन अनिवार्य है या नहीं है? है? परिवार नियोजन के केस ज्यादा से ज्यादा खींच के लाना और सरकार को दिखाना, ये अनिवार्य है या नहीं है? है? अनिवार्य है। अब ये ग्लोबल हॉस्पिटल में ऐसे केसेस आते होंगे या नहीं आते होंगे? है? बाहर की दुनिया से आते होंगे ज्यादा से ज्यादा, या ब्राह्मणों की अंदर ही दुनिया से आते होंगे? है? अंदर की ही दुनिया से आते हैं। तो ब्रह्मा की दाढ़ी की इलाज बचेगी या दाढ़ी की इलाज खलास हो जाएगी? खलास हो जाती है। इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती हैं, ब्रह्मा को कोई याद नहीं करता है। बाबा आबूबासी ब्रह्म कुमारियों से नफरत करते थे, हम दाम बोलते थे। किसी के भाव स्वभाव संस्कार और उसकी चाल चलन का पता नजदीक वाले रहने वालों को पता चलता है या दूर वालों को पता चलता है? नजदीक जो रहते हैं उनको पता चलता है। तो आबू वाले, माउंट आबू वाले जो गांवड़े के लोग हैं, वो असली बातों को जानते हैं, चाल चलन ब्रह्मा कुमार कुमारियों की, या दूर वाले जानेंगे? है? नजदीक वाले जानेंगे, उनमें सच्ची बात जल्दी फैल जाती है।